सबसे पहले मैं आपको इस साइट का लाइव ट्रोल लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अपना डॉजकॉइन का एड्रेस बाइनांस से कॉपी कर लिया है, इस साइट पे यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एड्रेस यहाँ पे लिंक हो गया है। उसके बाद पे आउट ऑप्शन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डॉजकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैं 0.5 डॉलर का यहाँ पे लगा रहा हूँ, मीन्स हाफ डॉलर का। तो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इतना ही इसका मिनिमम विड्रॉल है। उसके बाद रिकैप्चा वेरीफाई कर लेता हूँ एंड पे आउट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली विड्रॉल लग चुका है एंड यहाँ पे 72 आर के अंडर मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। एंड दोस्तों हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो अभी के समय में ये यहाँ पे अंडर रिव्यू पे चला गया, यहाँ पे नेक्स्ट डे पे आउट रिसीव हो गया। सबसे पहले साइट की तरफ से यहाँ पे स्टेटस दिखा दूँ तो पेड का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे ब्लॉक चेन की ट्रांजेक्शन आई डी आप देख सकते हो। अब मैं आपको बाइनांस में जाके आपको दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पे 6.5 डॉज कॉइन रिसीव हुए। ये आईडी आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो ये भी नहीं है कि आपको ही वॉच करनी पड़ेगी, मीन्स यहाँ पे आप ऑटो क्लिक पे लगा के आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली साइट पे पहुंच जाओगे, आपके सामने इस तरह का साइट का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक कर दे। यहाँ पे आपको अपनी मेल डाल देनी है, उसके बाद सिक्योर सा पासवर्ड आपने कुछ भी रख लेना है। रिकैप्चा वेरीफाई करके साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। विड्रॉल लगाने से पहले आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉल लगा सकते। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का साइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस पे आपके टोटल अर्निंग शो हो जाएगी, नीचे आपके यहाँ पे सेल्फ अर्निंग एंड पर डे में आप जितना अर्न कर रहे हो वो यहाँ पे शो होगा, नीचे आपका रेफरल का भी यहाँ पे अर्निंग शो हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको स्टैट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा देगा। अब बात करते हैं अर्निंग ऑप्शन की। दोस्तों इस समय आपको दो तरह के अर्निंग ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को अर्न कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक के। मैं दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऑप्शन पे चले जाना, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेली की अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे 1000 वीडियो आपको मिल जाती है वॉच करने को, पर आर में आपको यहाँ पे 200 वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट आर में आपको यहाँ पे फिर आपको 200 वीडियो मिल जाएगी। तो ये इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको डेली बोनस भी मिलेगा, जितनी ज़्यादा आप वीडियो वॉच करोगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। तो किस तरह वीडियो वॉच करनी है, तो यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मिनिमम आपको 10 सेकंड की वीडियो मिलेगी, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 20 सेकंड की वीडियो मिल जाएगी। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रैंडमली कोई भी यूट्यूब की वीडियो आ सकती है, तो यहाँ पे आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर ऊपर देख सकते हो टाइमर सा चल पड़ा है एंड यहाँ पे आप वीडियो की क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे डॉलर्स मिल गए, जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो ही बात आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक करके अर्न कर सकते हैं। एंड दूसरे तरीके की बात करें, जहाँ पे आपको कुछ एफर्ट नहीं करनी है, ऑटोमेटिक क्लिक करेगा आप ही यहाँ पे बैक आएगा, आपके बैलेंस में यहाँ पे क्रेडिट होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 लाइन के ऑप्शन पे आना है, मैक्रोस के ऑप्शन पे चले जाना। तो उसके लिए आपको इस साइट पे यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो एंड यहाँ पे आपको ऑटो क्लिक का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि पहले स्टेप में आपको इनका एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि ऑटोमेशन ऐप है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसका नाम है मैक्रो ड्रॉइड एंड इस तरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेशन, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना। एंड सेकंड स्टेप पे आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी, इस फाइल को आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एंड थर्ड आपको ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेना है, जेड अचीवर को ओपन कर लेना है, उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन आ जाना है जहाँ पे भी आपने डाउनलोड की है। उसके बाद जो फाइल आपने डाउनलोड की है इस नाम की फाइल होगी, इस पर आपने क्लिक करना है एंड ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मैक्रो ड्रॉइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मैक्रो ड्रॉइड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जस्ट वंस कर देना है, उसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक सेटिंग दी गई है ऑटोमेशन के लिए कि किस तरह ये क्लिक करेगा एंड काफ़ी अच्छा भी है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करता है। यहाँ तो यहाँ पे कुछ आपको परमिशन देनी पड़ेगी, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके के पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऐप के इंस्टॉल ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सभी परमिशन आपको दे देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे सभी परमिशन आप दे देते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है एंड यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एंड आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैक का आ जाना है, अपग्रेड मांग रहा है,
तो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे ऊपर कट का ऑप्शन है, तो इसे आपने कट कर देना है। ये आपकी यहाँ पे फाइल सेट हो चुकी है। अब आपको अपने ब्राउजर पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे। वहाँ पे आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन होना चाहिए क्रोम ब्राउजर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है मैक्रो ड्राइव पे, एंड यहाँ पे आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली ये क्लिक करना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हो अपने आप यहाँ पे बैक कर रहा है वीडियो वॉच करके, एंड फिर ये अपने आप ही वीडियो वॉच करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे आपको देख लेना है इसी सेटिंग को आपने रहने देना है, उस सेटिंग के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी है। कभी कभी ये वर्क ना करे तो आपको यहाँ पे फिर ऑन ऑफ करके चला लेना है। तो यहाँ पे मैं एक दो वीडियो आपके सामने यहाँ पे फास्ट मोड पे आपको चला के दिखा देता हूँ। अब इसे यहाँ पे ऑफ करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे मैक्रो ड्राइव के ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे आपको इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, होम एंड मैक्रोस के ऑप्शन पे आओगे तो ये यहाँ पे ऑफ हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाता हूँ, उसके बाद ये मैं इसे यहाँ पे बैक कर देता हूँ। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे कैप्चा वाला आया, वो कैप्चा वाले की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये कैप्चा नहीं वेरीफाई। अब बात करते हैं इसके एफिलिएट ऑप्शन की, तो दोस्तों एफिलिएट ऑप्शन से आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। रेफरल के ऑप्शन पे आप रेफरल लिंक मिल जाएगा, इसे आपने कॉपी करके अपने फ्रेंड को शेयर कर देना है। एंड यहाँ पे रेफरल का ये सिस्टम है जो कि ये नेटवर्क की तरह यहाँ पे चलेगा। अगर आपका फ्रेंड के अंडर यहाँ पे कोई भी रेफरल आता है तो उसकी भी कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि ये नेटवर्क बनाता है। यहाँ पे 3 लेवल तक ये वर्क कर। अब बात करते हैं इसके विड्रॉ की, तो इसका मिनिमम विड्रॉ कितने होने वाला है, जो कि पेम प्रूफ मैंने वीडियो के इनिशियल में ही आपको दिखा दिया था। पे आउट के ऑप्शन पे आ जाए दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 वॉलेट आपको मिल जाते हैं, जो कि पेयर वॉलेट एंड एड वी कैश वॉलेट, जो कि आपको 2 क्रिप्टोकरेंसी मिल जाती है, एक तो TRX है, दूसरा यहाँ पे डॉज कॉइन है। TRX का मिनिमम विड्रॉ $1 है एंड डॉज कॉइन का यहाँ पे